नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर 2022 की आपके राशिफल के बारे में। क्या कहते हैं ग्रह सितारे, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जानेंगे पूरे विस्तार से। शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। आदतें, व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व और फिर व्यक्तित्व से व्यक्ति का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण से हम आप सभी को समझाते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आव देखा न भाव देखा, कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वो चिल्ला कर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अभी इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था और उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही बुरी आदतें होती है, पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती है और अपने साथ बहा कर ले जाती है। हम चाह कर भी उनसे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 दिन तक अभ्यास करना होता है। इसीलिए अच्छी हो कि जब आदत ही बनानी है तो अच्छी आदत बनाई जाए। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन रविवार 2 अक्टूबर 2022, शुक्ल पद की सप्तमी तिथि, शाम के 6:47 रहेगा। उसके उपरांत ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। मूल नाम का नक्षत्र रात्रि के प्रातः काल 1:52 रहेगा। उसके उपरांत ही पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। सौभाग्य नाम का शुभ युग शाम के 5:14 रहेगा। उसके उपरांत ही शोभा नाम का शुभ युग प्रारंभ हो जाएंगे। राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन के अशुभ समय की, यह समय आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 4:41 से लेकर शाम के 6:09 तक। और चंद्रमा दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें अर्थात शुभ समय की, यह समय रहेगा सुबह के 11:52 से लेकर दोपहर के 12:39 तक। दोस्तों यह समय आप सभी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं। तो आए दोस्तों से की शायद बात करते हैं, ये जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी। यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, जानेंगे पूरे विस्तार से। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए भाग्य वृद्धि कर रहा है। यश में मानसिक रूप से काफी संतोषजनक रहेगा। भाग दौड़ के बजाय काम को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से परिणाम भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए योजनाओं को बनाने के साथ साथ क्रियान्वित करने में भी ध्यान दें। ज्यादा अभिमान अथवा स्वयं को सुप्रियर समझना भी आपके लिए यश में ठीक नहीं होगा, तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपके द्वारा छिपाई हुई बात को बाहर लाने की कोशिश शत्रुओं द्वारा की जा सकती है। आपके द्वारा की गई मदद को परिवार के सामने लाने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों इसके द्वारा आप मार्ग में आ रही कठिनाई को दूर करने में सक्षम रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच विचार आपके अंदर बेहतरीन परिवर्तन भी लाएंगे तथा समस्याओं को उचित रूप से सुलझाने में भी आप समर्थ रहेंगे। रचनात्मक कार्य में भी रुचि बढ़ेगी। कुछ समय एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर भी व्यतीत होगा,
इसको प्रांत दोस्तों यशो में भूमि अथवा परिवार संबंधी किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है, आपको अपने मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। परंतु दोस्तों भविष्य में आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। तो दोस्तों यश में आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आगे आपका सफलता आपकी इंतजार कर रही है। उसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों सीमित विचारों से बाहर निकलकर दुनिया की तरफ देखने की आपको आवश्यकता होगी। दायरे में रहने की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता तो बन रही है, लेकिन दोस्तों आप अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों यशमी परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति बनी नाराजगी को दूर करने के लिए व्यक्ति का नजरिया समझने की यशमी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि में शुभ फलदायी साबित होगा। यश समय आपको रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, व्यक्तिगत कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होने की वजह से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। बच्चों तथा युवा वर्ग का जो है अपनी पढ़ाई व फिर करियर की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके साथ दोस्तों यश में अपने विचारों को प्राथमिकता दें, कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तो दोस्तों आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इसमें ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ ऐसे ही है, इसलिए दोस्तों स्वयं पर भरोसा रखना इसमें आपको सीखना होगा। कभी कभी वाणी में कटुता की वजह से संबंधों में दरार आ सकती है, तो इस बात पर भी गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम से संबंधित बातों में आपका उत्साह कम दिखने की वजह से आपको दी हुई जिम्मेदारी फिर से वापस ली जा सकती है, और साथ ही आपको परिवार और अपने काम के प्रति अधिक जागरूकता दिखाने की भी आवश्यकता होगी। आपकी मनमौजी स्वभाव के कारण यश में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कुछ नई जानकारी और फिर समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को विदेश संबंधी परीक्षा में सुपरिणाम मिलने की उम्मीद है। दोस्तों किसी रुके हुए या फिर उधार दिए हुए पेशे की वापसी भी यश में संभव है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार भी आएंगे। दोस्तों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा किसी कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। पैसे आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा, इसलिए दोस्तों यश में बजट बनाकर चलें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बीते समय में हुए पेशे से संबंधित नुकसान को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा इसमें की जा सकती है, जिसमें दोस्तों आपको सफलता भी मिलेगी। मिल रहे पेशों का निवेश करना आपके लिए इसमें अत्यंत जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे जो कि बेहतरीन रहेंगे। निवेश संबंधी गतिविधियों में कार्य करने का उत्तम समय होगा, परंतु दोस्तों पार्टनर संबंधी संबंध जो समय व्यवसाय में प्रत्येक कार्य और गतिविधि पर नजर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। जितनी मेहनत करेंगे उनके अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें यश में आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कर्मचारियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग भी आपके ऊपर बना रहेगा। कार्यों में भी प्रगति आएगी, परंतु नया काम शुरू करने के लिए जो समय होंगे उतना अनुकूल नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ इंतजार करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधी कार्य यश में उचित रूप से संपन्न हो जाएंगे। गैर कानूनी कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित हो सकता है, परंतु सावधान रहें, इसकी वजह से आपके मान सम्मान और आपके साख में कमी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसायिक कार्यों में लोन लेने जैसी स्थिति भी बनेगी, परंतु अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज ना लें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को यश में स्थगित रखें। किसी छोटी सी बात पर विवाद होने की आशंका भी बन रही है, श्रेय सट्टा आदि जैसे कार्यों में पेशे यश में ना लगाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों अपने कार्यों में जीवन साथी तथा परिवार सदस्यों का सलाह अवश्य लें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपको असमंजस जैसी स्थिति के कारण निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा तथा कुछ समय परिवारजनों के साथ हास प्रयास व फिर मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पारिवारिक माहौल सुकून बना रहेगा। सभी सदस्यों का आपसी तालमेल बेहतरीन होने की वजह से घर में भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें
कि दोस्तों पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां तो आने वाली है, परंतु परिस्थितियों को संभालने का दायित्व तो आपके ऊपर ही रहेगा। इसलिए इसमें धैर्य पूर्वक समस्याओं को सुलझाने के प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी श्वास को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में गैस व फिर जोड़ों में दर्द की जैसी समस्या रहेगी। लापरवाही ना बरतें और सर्दी से अपना पूरा बचाव रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें। दोस्तों यश में अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको इसमें सजग रहने की ही आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जरूर यश में अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और साथ ही आपको हल्का फुल्का खान पान यश में लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यश में अपच और गैस जैसी स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है।